होली के अगले दिन आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले सहित ग्रामीण अंचलों में मन्नतधारियों ने मन्नत उतारी। इस दौरान कोई धधकते अंगारों पर चला तो कोई 30 फीट ऊंचे मचान पर कमर के बल झूला। इस दौरान ढोल मांदल की थाप पर परंपरा अनुसार ग्रामीणों ने नृत्य किया और गल देवता के नारे लगाए। दरअसल होलिका दहन के अंगारों को एक गड्ढे में फिर जलाकर उसमें सबसे पहले गांव का तड़वी और गेर के ढोल अंगारों पर चलकर निकलते हैं। इसके बाद मन्नत लेने वाले श्रद्धालु चूल के अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं और इनके पांव इन दहकते अंगारों पर से गुजरने पर भी नहीं झुलसते हैं। किसी के यहाँ गल देवता की मन्नत के बाद संतान हुई थी तो कोई बीमारी से चंगा हुआ, क्योंकि मान्यता है कि मन्नत विवाहित व्यक्ति ही उतार सकता है। इसलिए बहुत से मन्नतधारियों के परिजन ने इस परंपरा का निर्वहन किया। हमारा चेट सरुति सरुति करता आया, जो मतलब मन्नतें उतारते हैं, मन्नत पूरी हो जाते हैं और सब लोगों के लिए है, इसलिए हम भी मना रहे हैं। सरु से हमारा बाप दादा करता आया, इसे हम कर रहे हैं। ये गल बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे आदिवासी भील जो मन्नत लेते हैं, परिवार में कुछ दुख संकट आता है, चाहे संतान को लेके या कुछ भी घर परिवार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो मन्नत लेता है। उस मन्नत को पूरा करने के लिए वो ये गढ़ की मन्नत लेते हैं और भगोरिया के 7 दिन सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार ये हमारे यहाँ हाट बाजार लगते हैं, वहाँ पे जो मन्नतधारी है वो जाता है, वहाँ पे घूमता है और लास्ट दिन ये गढ़ के रोज आज ये यहाँ आता है और उसकी जो वो बोलता है मन्नत ले रखता कि मेरे को 9 दिन घूम 9 फेरे लेना है, इसके गढ़ के 9 या 12 फेरे लेना है, तो वो फेरे लेगा। उसके बाद बकरा की मान लेता, बकरा या मुर्गा जो भी है वो उस मन्नत में जो बोलता है उसको यहाँ रखना पड़ता है, तो आज वो घूमेगा तब जाके उसकी मन्नत पूरी होगी। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य।